जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट आपका कब जारी हो रहा है। बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि 29 मार्च को बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा, बड़ी खबर करके यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, है ना। और बहुत जगह आप देखे होंगे कि कल 27 मार्च को रिजल्ट जारी किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। 24 घंटा के अंदर रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो अभी इस वीडियो में हम बताएंगे फाइनली कि बिहार बोर्ड आपका रिजल्ट कब जारी करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक रिजल्ट जारी होगा 27 मार्च को जारी होगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही होगी तरह तरह के। तो अभी इस वीडियो में फाइनली हम बात करेंगे कि बिहार बोर्ड अभी क्या कर रहा है और रिजल्ट आपका कब देगा और कैसे देगा, रिजल्ट इस बार कैसे रहेगा, है ना। और आपके ज़िले से भी बहुत सारे टॉपर, जो टॉपर लिस्ट में जो स्टूडेंट का नाम गया है उनका भी टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है। और कितना काम हुआ है और क्या बिहार बोर्ड इस बार कब तक रिजल्ट जारी करेगा, पूरा इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे, है ना। तो बिहार बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं और बिहार बोर्ड से आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक न्यूज को जानने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड से सही खबर आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि आखिर जो बच्चे परेशान हैं वो रिजल्ट को लेकर काफ़ी परेशान हैं और बहुत लोग का ये मन में है कि मुझे कॉल नहीं आया है, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए मुझे कॉल नहीं आया है। और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कितना नंबर आएगा तो कॉल आए, मतलब कॉल बिहार बोर्ड कर रहा है कितना नंबर के लिए, ठीक है। बहुत लोग के मन में चल रहा है हम तो लिखे अच्छा है मेरा 470 आ सकता है, फिर भी मेरे पास कॉल नहीं आया है। इसके सभी के बारे में बताएंगे हम। देखिए सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट को लेकर के। बहुत जगह आप देखे होंगे कि यहाँ पर कल बताया जा रहा है कि आपके कल रिजल्ट को जारी किया जाएगा, ठीक। तो अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि मैट्रिक रिजल्ट के, आपके रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि बिहार बोर्ड आप जानते हैं कि पहले लेता है, वेरिफिकेशन करता है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका वेरिफिकेशन करेगा, जितने भी टॉपर लिस्ट में है। तो आपके जिला से है, समझ रहे हैं ना, आपके जिला से सभी जिले, पूरे बिहार से 3800 जिला से जितने भी टॉपर लिस्ट में नाम गया है उनको कॉल किया गया है, उनको बिहार बोर्ड ऑफिस बुलाया गया है और उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन आपके कल से 25 तारीख से, ये 24 तारीख से ही चालू है, है ना। और वेरिफिकेशन कब आपके ख़त्म होगा, तो अब पहले आप जान जाइए कि वेरिफिकेशन में कितने लोग गए हुए हैं, कितने स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं। तो लगभग यहाँ पर आंकड़ा निकल के आ रहा है कि लगभग 500 से अधिक स्टूडेंट को कॉल गया है, पूरे बिहार से 500 प्लस स्टूडेंट को बुलाया गया। लगभग मुजफ्फरपुर से सबसे अधिक है, लगभग 20 की 22 जो है ना टॉपर लिस्ट में गए हैं मुजफ्फरपुर से, वहाँ से गए हैं, केवल एक जिला से, समझ जाइए। तो लगभग एक अनुमानता यहाँ पर आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 500 से अधिक जो है ना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए हुए स्टूडेंट, अब उनको वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट टीम है उनको इंटरव्यू ले रही है, पूछ रही है, राइटिंग मैच कराया जा रहा है कि राइटिंग जो स्टूडेंट या कॉपी है उससे लिखवाया जा रहा है और राइटिंग मैच किया जा रहा है कि कहीं स्टूडेंट वहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। ये भी हो सकता है कि उसके एग्जाम के समय पर दूसरा कोई जाकर लिख दिया हो, है ना। अब रही बात कि आपके 24 से आपका चालू है 24, 25 और 26, इतना दिन में कितना काम हुआ है। तो लगभग अभी आंकड़ा निकल के आ रहा है कि मात्र आपका 200 के करीब में टॉपर वेरिफिकेशन हो चुका है, इन लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया गया है, ठीक है। इन लोगों का इंटरव्यू हो गया है, वेरिफिकेशन कर लिया गया है, अब बचा आपके 300 के आसपास। जब तक आप भी जानते हैं कि जब तक वेरिफिकेशन होगा नहीं तब तक टॉपर के टॉप 10 का जारी नहीं होगा, टॉप 10 की लिस्ट नहीं बनेगा और तब तक रिजल्ट जारी किया नहीं जाएगा। तो अभी आपके 300 स्टूडेंट हैं, कितना है 300 स्टूडेंट हैं। तो आप खुद बताइए कि 24 से आपका चालू है, 24, 25 और 26 में केवल 200 का किया गया है, तो 300 का अगर करना हो तो और भी 3 दिन लग सकता है आपका, यानी 26 दिन 29 दिन लग सकता है, है ना। 3 दिन लग सकता है, 29 दिन लग सकता है, मतलब 29 तारीख हो गया आपका, है ना। यानी मेरे कहने का मतलब कि 24, 25, 26 3 दिनों में 200 टॉपर के
यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया है, और 300 तो बच गए हैं ना अभी, तो अभी भी आपका 3-4 दिन समय लग सकता है, तो कितना हो गया आपके 29 हो गया, ठीक है, मैंने 29 या 30 तारीख को टॉपर वेरिफिकेशन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब रहे कि आपका रिजल्ट जारी कब होगा, देखिए, और ये बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर अभी भी कॉल आएगा, उनके लिए बताएंगे कि जो बिहार बोर्ड है, जो देखिए सबसे पहले देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे, अभी भी आपको बहुत चीज़ बताएंगे हम जो कि आपके काम की चीज़ है, जो भी स्टूडेंट है ना कि आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको काम की चीज़ बताएंगे आपका। और किन को देखो, बहुत बच्चे उदास हैं कि मुझे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया, ठीक, तो देखिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए 470 प्लस लगभग मैं बता रहे हैं आपको हम, जिनका 470 से अधिक नंबर मतलब कि आने की संभावना है, और जिनको कॉपी चेक किया गया है, देखा गया है कि 470 से अधिक नंबर आ रहा है, शायद उनको ही कॉल किया गया है। अब आप लोग खुद आप लोग अनुभव कर लिए होंगे कि मेरा 400 आएगा कि 300 आएगा, आप लोग का मालूम चल ही गया होगा। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना अनुमान लगाए हैं कि आपका कितना नंबर आ सकता है, और क्या आपको भी लगता था कि मुझे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना चाहिए जो कि नहीं आया है ना। तो देखिए, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि यार टॉपर वेरिफिकेशन के लिए अभी भी कॉल आना बाकी है, नहीं, अब आपका कॉल नहीं आएगा, जिनका आना था उनका कॉल कर दिया गया है, अब उनको बुलाया गया है, अब हर जिला का जिला वाइज आपके टॉपर लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, मतलब कि उनका इंटरव्यू किया जा रहा है, और जैसे ही इंटरव्यू पूरा ख़त्म हो जाएगा आपके वहाँ पर टॉपर लिस्ट के टॉप 10 का वहाँ पर निकाल लिया जाएगा, उसके बाद से आपका आएगा रिजल्ट जारी करने के प्रोसेस। तो अब भाई अब कहेंगे सर कि रिजल्ट कब जारी होगा, अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक करने के लिए गूगल पर आना है, लिखना है परीक्षा न्यूज, इसको सर्च करना है, सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, तो यहाँ पे इसे ओपन करना है, ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, तो इस प्रकार से खुलेगा, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर लिखा रहेगा यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट, यहीं से ओपन करेंगे तो यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके खुलेगा रिजल्ट सेक्शन पर, यहाँ पर जाएंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहेगा, वहीं से अपना रिजल्ट चेक करना है, चेक रिजल्ट लिखा है, यहीं पर लिखा गया अपडेट सुन रिजल्ट जारी होते हैं, यहाँ पर 3 लिंक दिया जाएगा, यहाँ पर किसी एक लिंक पर क्लिक करके अपना रोल नंबर रोल कोड भर करके यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आप 29 तारीख तक तो यहाँ पर टॉपर वेरिफिकेशन ही होगा आप लोगों का। तो फाइनली मैं बताऊं कि मेरे अनुसार आपका जो रिजल्ट है इस महीना के लास्ट 31 मार्च या 30 मार्च तक बिहार बोर्ड रिजल्ट को जारी करेगा, और बिहार बोर्ड इस साल प्रयास करेगा कि मार्च में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम प्रयास करें रिजल्ट जारी करें, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ना है, पिछला रिकॉर्ड जो है आपके 5 अप्रैल का है, तो पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बिहार बोर्ड प्रयास करेगा कि इस बार मार्च में ही सबसे पहले रिजल्ट को जारी कर दे, तो कितना हो प्रयास करेगा बिहार बोर्ड फिर भी उसका यहाँ पर खूब प्रयास करेगा मेरे अनुसार 30 या 31, और बिहार बोर्ड खुद प्रयास करेगा तो 29 हो सकता है, हालांकि ये इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे अनुसार, लेकिन फिर भी खूब प्रयास करता है बिहार बोर्ड, टॉपर का जो इंटरव्यू जो है बहुत फास्ट किया जाएगा, एक्सपर्ट टीमों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, तो हो सकता है कि आपका 29 तारीख रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। अब रही बात कि आप सोचेंगे कि सर मेरा नंबर जो है, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कॉल नहीं आया है, मैं बहुत उदास हूँ, तो आप पहले उदास मत रहिए, ठीक है, आप उदास रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि देखिए कॉपी चेक करने में बहुत कुछ चीज़ें आती है, कॉपी चेक होता है किस मास्टर के कौन सा मुंड है, किस मुंड में वो कॉपी आपका चेक कर रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, ठीक है, लेकिन यही आपका ज़िंदगी नहीं है, आप लोग को इंतज़ार करना है, रिजल्ट देखिए रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, और रिजल्ट इस बार बम्पर आने वाला है, और सभी लोग वेट करेंगे, आप कितना 30 तारीख या 31 तारीख आपका रिजल्ट को जारी किया जाएगा, बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे, बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक अपडेट आपको सबसे पहले हम इसी चैनल पर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेंगे, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप सभी कमेंट करेंगे, कोई भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, है ना, तो आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आप अपने ज़िंदगी में सफल हो, आपका रिजल्ट जितना सोचे हैं उतना आए, इसी शुभकामनाएं के साथ विदा लेता हूँ, सभी को नमस्कार, और मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद जय भारत।